हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का। हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। तो बच्चों, प्रीवियस सेशन में हमने जो चीजें की थी, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने देखे पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन हो गई, क्या क्या कंडीशंस होती है पॉलिनोमियल होने के लिए, और कितने टाइप्स के, कौन से टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो देखिए, पदों के आधार पे भी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। क्या क्या होते हैं? मोनोमियल्स होते हैं, बाइनोमियल्स होते हैं, ट्राइनोमियल्स होते हैं, ये सब अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं। तो मतलब क्या है इनका, ये चीज भी डिस्कस कर चुके हैं हम। भाई, मोनोमियल्स एक पद, यानी जिनमें सिंगल टर्म हो, एक पद हो, उनको बोलेंगे मोनोमियल्स। नाम से ही आपको पता लग रहा है, जैसे द्विपदी बाइनोमियल्स, क्या मतलब हुआ इसका, जिसमें दो पद हो उनको द्विपदी बोलेंगे। इसी तरह से ट्राइनोमियल्स, अगर तीन पद आ जाएं तो ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। ऐसे करके आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो हो गए पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, कोई डाउट लगता है पूछ लीजिए। इसके बाद हम पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पावर या फिर डिग्री, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने, रिवाइज कर लिया है इसको। तो अगला देखिए, अब यहाँ पे आता है आपके पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या फिर एक्सपोनेंट्स। तो ये हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल्स भी आप साथ साथ देखते रहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हो जाते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, कर लिया है सबने नोट डाउन। अब हम यहाँ पे एक टॉपिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी इसको हम बोल सकते हैं बहुपद के हल, ठीक है। जीरो क्या हो गया इसको बच्चों, हम क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रूट्स भी बोलते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना, क्या होते हैं, जीरो हो जाता है या फिर कई बार आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है रूट्स, तो ये क्या हो जाते हैं, ये हल होते हैं बेसिकली। जो एक्स होता है ना, उसका मान होता है। कैसे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, जैसे x माइनस टू, क्या है ये, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, देख सकते हैं आप, है ना। इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरो क्या होंगे, ये हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। अगर x की वैल्यू 2 रख दे, ठीक है, x की वैल्यू 2 रख दे, तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो इसका जो जीरो हो गया वो कितना हो गया, जीरो हो गया 2। इस पॉलिनोमियल का जीरो या फिर हल 2 हो गया, या फिर इसको हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, हल यानी सॉल्यूशन, ठीक है। तो 2 हो गया, मतलब क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि एक्स का वो मान जहां पे हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए या फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उसको बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्लियर है। देखिए, इसको ग्राफ पे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लीजिए वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ठीक है। ये हम पॉलिनोमियल है हमारे पास, और इसमें अगर हम x और y की वैल्यूज यहाँ पे रखने की कोशिश करें, x हो गया, y हो गया, अगर हमारे पास x 0 है तो y माइनस 2 होगा, और x अगर 2 है तो y 0 हो जाएगा, है ना। ये वैल्यूज आएंगी आपके पास। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स इनके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि ग्राफ पे हम इसको बना सकें। तो क्या सॉल्यूशन होगा इसका, देखिए,
अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, x की वैल्यू 0 है तो y माइनस दो कुछ इस तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 और माइनस दो, ये पॉइंट्स हो गए इसके। और अगर x की वैल्यू 2 है तो हम x को दो स्टेप यहां पे चलते हैं और y 0 है तो ये क्या है 2 और 0। तो देखिए ऐसी कुछ लाइन हमारे पास आएगी, ठीक है स्ट्रेट लाइन। अब यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो ये पॉइंट है ये क्या है 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्या है 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल यहां पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए हम x क्या होता है, यहां पे ये चीज ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यू हमें निकालनी है जिससे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो जो भी हमारा 0 है, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल विल ऑलवेज फॉल ऑन x एक्सिस, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑलवेज फॉल ऑन x एक्सिस, मतलब एक पॉलिनोमियल का जो 0 होगा वो हमेशा x अक्ष पे होगा, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसके बाद हम इसके आधार पे क्वेश्चंस भी करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, अगर हम जीरोस की बात करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, या तो इसका एक या फिर जीरो जीरोस भी हो सकते हैं, या तो एक सॉल्यूशन होगा या एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा मतलब कैसे पॉसिबल है बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे। तो मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, अगर हमारी लाइन ऐसे चली जाए, ठीक है, एक्स एक्सिस को कहीं काटे ही ना, उसके पैरेलल चली जाए, तो क्या हो जाएगा, एक भी हल नहीं आएगा ना इसका। क्यों? क्योंकि हल तो एक्स एक्सिस पे लाई करता है और एक्स एक्सिस को ये काट ही नहीं, तो जीरो सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर वन होगा अगर हमारी जो पॉलिनोमियल है वो क्या हुआ, वो लीनियर हुआ। तो अगर क्वाड्रेटिक हुआ तो क्वाड्रेटिक मतलब जो हाईएस्ट पावर कितनी होती है, दो होती है, क्वाड्रेटिक, तो इसमें हाईएस्ट पावर दो है तो मैक्सिमम जो इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं वो दो ही हो सकते हैं, या फिर एक होगा या फिर जीरो होगा, दो से अधिक सॉल्यूशन नहीं हो सकते और जीरो से कम क्या ही होंगे, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें अधिकतम तीन सॉल्यूशन हो सकते हैं, दो एक या फिर जीरो भी हो सकता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। इसके बाद हम देखिए जो आपकी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन क्या फटाफट करेंगे, कितने सॉल्व करेंगे उसको, पहले इसको नोट डाउन करो। तो ठीक है बच्चों, ये कर लिया है सबने नोट डाउन, आगे करते हैं। अब देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, अब थोड़ा हमें इसको बड़ा कर देता हूं ताकि सब क्लियरली देख पाए, सबको विजिबल हो जाए। अब देखिए सबको विजिबल है, यहां पे क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10, मतलब यही है फिगर 2.10 जो नीचे दी गई है। तो इसमें आपको ग्राफ दिए हैं किसके, y is equal to px, क्या हो गया, जो पॉलिनोमियल है, y is equal to जो पॉलिनोमियल है उसके ग्राफ्स दिए गए हैं। फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। तो यहां पे क्या बताना है आपको, देखिए इस ग्राफ में आपको कुछ यहां पे दी गई है, वैल्यूज दी गई हैं, क्या दिए गए हैं, ये दिए गए हैं y बराबर है पी एक्स के ग्राफ दिए गए हैं, कुछ पॉलिनोमियल्स जो पी एक्स हैं, पॉलिनोमियल क्या है पी एक्स, जैसे अभी हमने माना था ना पी एक्स बराबर है x माइनस टू, वो एक पॉलिनोमियल था, फिर हमने उसको y बराबर है पी एक्स मान लिया। देखिए यहाँ पे क्या किया था हमने, पी एक्स बराबर है ये एक पॉलिनोमियल था, है ना, तो बस ये पी एक्स की बात चल रही है वहां पे कि कुछ पॉलिनोमियल पी एक्स है जहां पे ग्राफ आपको दिया है, जैसे यहाँ पे ग्राफ बनाया था ना, तो इसी तरह से y बराबर है पी एक्स, मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया पी एक्स की जगह x माइनस टू लिख दिया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं y बराबर है पी एक्स के लिए कुछ ग्राफ आपको दिए गए हैं,
तो उनमें आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं, जीरोस या फिर हल बोल लो, सॉल्यूशन बोल लो, या फिर वही रूट्स बोल लो, कुछ ही बोल सकते हो। तो ये कैसे पता लगेगा, देखिए ये फटाफट पूरी एक्सरसाइज में यही क्वेश्चंस हैं, फटाफट आप कैसे कर सकते हैं इनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, ठीक है। मैंने ये अभी एग्जांपल दिया था कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल के कोई भी रूट्स नहीं होंगे तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो वहां पे हम बोल देंगे नो रूट्स, है ना। फर्स्ट पार्ट में हम बोल सकते हैं नो रूट्स या फिर जीरो रूट्स या फिर नो जीरोस आप बोल सकते हैं, या नंबर ऑफ जीरो जीरो हो जाएंगे, है ना, नो जीरोस, या फिर कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं यहाँ पे, जीरो, शून्य जीरो है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो जीरो होती है किसी पॉलिनोमियल की वो कहाँ पे लाई करती है, ऑलवेज लाई ऑन एक्स एक्सिस, और ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है लाइन, ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है, तो यहाँ पे जीरो जीरो हो जाएंगे, ठीक है, नो जीरोस ये बोल सकते हैं या फिर नो रूट्स बोल सकते हैं आप। अब देखिए सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, सेकेंड पार्ट में कितने जीरोस अवेलेबल हैं, कितने जीरोस एग्जिस्ट करते हैं, ये आप लाइन देखेंगे, ये सिर्फ एक बार एक्स एक्सिस को काट रही है, वन टाइम, ठीक है, सिर्फ वन टाइम एक्स एक्सिस को काट रही है, तो एक्स के यहाँ पे वैल्यू सिर्फ एक बार हमें मिल रही है, इसीलिए हम बोल देंगे कि वन जीरो यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वन जीरो हो जाएगा। इस तरह से बाकी के जो पार्ट्स दिख रहे हैं, देखिए मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है, बाकी के पार्ट्स दिख रहे हैं, फटाफट इसको सॉल्व करके आंसर बताइए क्या होगा। तो बच्चों कर लिया है आपने ये नोट डाउन, अब देखिए जो सॉल्व आपने किए हैं उसके जो भी आपके आंसर आए हैं, पहले तो उनको चैट के माध्यम से अपने आंसर शेयर कर दीजिए, ठीक है, जैसे ही आपके आंसर आ जाते हैं फटाफट आप शेयर कर दीजिए, कर दिया करो, ताकि हमें पता लगे कि हाँ कौन कौन बच्चा सही आंसर दे रहा है। अब देखिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज देखनी है कि ये एक्स को कितनी बार काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है वन, दूसरा यहाँ पे काट रहा है टू, तीसरी बार यहाँ पे काट रहा है थ्री, टोटल कितने टाइम्स काटा इसने, थ्री टाइम्स, तीन बार एक्स को काटा, तो जीरोस कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, तीन, इसमें तीन जीरोस हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि एक्स को तीन बार काटा है, एक्स की वैल्यू तीन अलग अलग वैल्यूज हमें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का मान अगर इस पॉलिनोमियल में रखेंगे हम, तो इन तीनों वैल्यूज पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, दैट इज वाई इनको जीरोस बोलते हैं। अब देखिए इसकी कितनी जीरोस हुई, वन टू, टू हो गई, लिख दीजिए फटाफट, इसकी कितनी जीरोस हुई, वन टू थ्री फोर, चार जीरोस हुई, है ना, तो इसकी चार जीरोस हो गई, इसकी बताइए कितनी जीरोस हो गई, वन टू थ्री, तीन जीरो हुई, तो तीन जीरोस लिख दीजिए, बस इस तरह से कर सकते हैं। ये तो छोटा सा आपके एक क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ताकि हम, और आपकी देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो गई है कि नहीं, फटाफट आपने कैसे कर दी, अब इसको नोट डाउन करो ताकि हम कुछ कॉन्सेप्ट कर सकें जो कि अगली एक्सरसाइज में आपके काम आने वाले हैं। तो बच्चों ये सब ने कर लिया है, अब आगे हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हिंदी में अगर आप लिखना चाहें हिंदी में भी लिख लीजिए, किसी बहुपद के
किसी बहुपद के शून्यकों, जीरो यानी शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, चलिए अब इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल या फिर आप इसको लिख लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोज दो होंगे, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन क्या हो सकता है इनका रिलेशन, वो चीज डिस्कस करेंगे। ये चीज समझनी है आपको कि भाई हम रिलेशनशिप कर रहे हैं किसके बीच में, जीरोज, जीरोज हो गए, रूट्स हो गए, कुछ भी बोल लीजिए, एंड कोफिशियंट्स। कोफिशियंट्स क्या हो जाते हैं बच्चों, ये चीज हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो देखिए अब जीरोज तो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा है, जीरोज क्या है, जीरोज है अल्फा एंड बीटा, ये मैंने स्टेटमेंट में बता दिया। अब कोफिशियंट्स क्या है, कोफिशियंट्स को क्या बोलेंगे हम हिंदी में, बोलेंगे गुणांक। ठीक है, क्या बोलते हैं, गुणांक। जीरो क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है शून्यक। ठीक है, क्या हो जाता है, शून्यक, यहां पे शून्यक की बात कर दी गई है। तो इसमें एक्स के कोफिशियंट क्या होंगे, एक्स ये हो जाएगा ए। ठीक है, एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या हो जाएगा, ए। और अगर मैं एक्स के कोफिशियंट की बात करूं तो वो बी, एंड कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी, ये हो जाते हैं। चलिए इसको आगे करते हैं, अब रिलेशनशिप करनी है ना। अगर अगर तो मैं इसके जीरोज को करता हूं ऐड, ये किसके बराबर आना चाहिए, और अगर मैं जीरोज को करता हूं मल्टीप्लाई, तो ये दोनों अलग अलग रिलेशनशिप होंगी। ठीक है, तो अगर मैं जीरोज को ऐड करता हूं तो ये होना चाहिए माइनस बी बाय ए, माइनस बी क्या हो गया, माइनस बी हो गया माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय, नहीं बी क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स है ना, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं इसके रिलेशनशिप देखूं तो ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ जाता है बच्चों इनका रिलेशन। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही जरूरी होने वाला है अगली एक्सरसाइज में, इसीलिए अच्छे से इसको नोट डाउन करें। कोई डाउट अगर बच्चों आपको लगता है तो पूछ भी लीजिए, तो जल्दी से नोट डाउन करो। तो ठीक है बच्चों, जो आज इस सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स किए हैं, उनको अच्छे से आपको रिवाइज करना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ नोट डाउन तो आपने कर ही लिया होगा, रिवाइज जरूर करना। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।